कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में। पार्टी, पार्टी। देख पार्टी, पार्टी में गोलगप्पे खिलाने के काम मिल गए। हाँ ओलंपिक में नहीं भागे पर लड़की भगाएंगे। ओ नाइस यार। अभी आप मेरे को बताओगे लाइट इधर है हैं? अब आप बताओगे कैसे बनाना है ब्लॉग। और भी माइले रेडी हो गया? हो गया सोना मुंडा यार तू दस। हाँ जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग होता है नहीं। सो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो ब्लॉग का तो प्लान ही था, किसी का आईफोन देख लिया तो मैं बोला प्लान कर लेते। क्या ये कर रहा है? क्या है ये तेरा फोन है? इसलिए दिखा रहा हूँ तेरे को। तो ये वो बंदा है मेरा जो बोटी, आहो पंजाबी में बोटी बोलते हैं। अभी तुम चेक कर लेना किसको बोलते हैं। तो बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मेरा एक भाई है तो उसकी शादी है, हो चुकी है, आज रिसेप्शन है ना, कल शादी थी है ना। हाँ कल शादी थी, आज रिसेप्शन है तो हम रिसेप्शन पार्टी में जाने वाले हैं। तो वी आर ऑल सेट टू गो एंड महिला वहाँ पे डांस करने वाला है। महिला रेडी? महिला सोलो परफॉर्मेंस करने वाला है बीजू का सॉन्ग में ले करती कल। और आपको इंट्रोड्यूस कराते ये उनके वाइफ के भाई है, ठीक है? हाँ ब्रदर इन लॉ। कल पता लगे मेरे जाते हारू ले गए आओ भैया। नहीं नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी इतनी जल्दी यार बेबी। अच्छा आप अपने लोग ये तो भाई चांस है। अच्छा अच्छा जी रब ना करे। आप ये ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? जो भी रहेगा हम आपको अच्छे से अच्छे शूट करके डालेंगे ना। तो ये जो भी ब्लॉग रहेगा एडिट करके ये डाल देगा, ठीक है? तेरे भरोसे हूँ मैं। तो गाइस पहले के जो भी ब्लॉग है वो थोड़े डिले हो रहे हैं, ठीक है, आने के लिए, क्योंकि वो मेरे फोन में नहीं बने, किसी और के फोन में एडिट हुए। जॉन को तो आप जानती हो, दो तीन वीडियोज देख लिया रहेगा उसके साथ, तो उसके फोन में है। तो धीरे धीरे आएंगे नासिक के ब्लॉग, इंजीनियरिंग है हम लोग वो भी आएंगे। तो बाकी आज का जो भी है रिसेप्शन का हम दिखाते हैं, और थोड़ी बहुत मैंने फुटेज बनाए हैं अपने शादी के, वो भी मैं डाल दूंगा, वो भी आप इंजॉय कर लेना, ठीक है? तो बने रहिए, मिलते हैं जाके कहाँ पे जाके मिलते हैं वेन्यू में। ओके ये देखो कोई तो आए पीछे से, हाय 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 हाय, ये इग्नोर छोड़ो इग्नोर कर दो। ओ ये देखो ये आपका नाम बताओ पहले जल्दी पढ़ा। आरती। आरती इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये देखो ये इसको जलन हो रहा है, मैं इसको हग ही कर रहा हूं था ना। ये आरती है, ये यहाँ पे आके मैंने नहीं बचपन कर लिया। तुम्हें पहली बार पता लगा? ये इसका तुम्हारा वीडियो डालने हो ना वो शादी वाला में। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में। पार्टी देख पार्टी पार्टी के अंदर। चलो हम अभी वेन्यू में लेंगे ना, शादी को जाए ना, डांस करेंगे ना। अच्छा चलो मिलते हैं। क्या बोल रहा है? So, let's go. दाई को बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं भी डालूंगा अभी इनके नाम पे। हाँ सेलिब्रिटीज का भी यही लाइफ होता है। तो ये जो हम आ रहे हैं ना शादी में, तो देख लो हम लाइन में लगे अरे हमारे लिए अलग से प्राइवेट शेफ। दिखाना प्राइवेट शेफ का दिखा दे। महिला बर्गर वाला एक एक स्नैक्स तो खा लिया है, स्नैक्स नहीं बोल सकते वैसे, है ना दाई? स्नैक्स नहीं बोल सकते, फास्ट फूड स्नैक्स ही बोल देंगे। स्नैक्स में हाँ सॉरी, जनरल नॉलेज फॉर यू गाइस। तो अभी अभी ये गोलगप्पे के लिए आए हैं।
दाई क्यों आपका गोलगप्पे खाने का मन क्यों किया एकदम? गोलगप्पे खाने का मन इसलिए क्यों किया क्योंकि हमारे जो साला जी है ना, हाँ मतलब किशोर के जो साला जी है, हाँ तो उनको गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। डैम, आपने ही इनके अंदर उम्मीद जगाई है गोलगप्पे खाने की। मन हमारा था गाइज। ये आप मॉडल को देख रहे हैं मैम? मैम अरे यार बेइज्जती हो गई है। हाँ इधर आइए ना थोड़ी देर। क्या कह रहे? सॉरी आई डोंट हैव अ टाइम। क्या बोले? सॉरी आई डोंट हैव अ टाइम। ओए मैं इधर दूजा और दूजा वीडियो भी बनाया इस करके मैं क्या ये साथी में गोलगप्पे खिलाने के काम मिल गया। हाँ फाइनली एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। हाँ प्लान इनका था, सभी खा रहे हैं यहाँ पे और खिला भी रहे हैं। स्नैक्स करने के बाद हम लोग नीचे आए और नीचे आके किशोर के जो रिलेटिव्स थे, फैमिली वाले और जो भी शादी में आए थे उनकी दीदियाँ और उनके जो कजन्स थे, उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे कहा कि आपके साथ पिक्चर करवाना है क्योंकि इन लोगों ने मुझे IVD में देख रखा था, इंडियज बेस्ट डांसर में। तो उन्होंने कहा कि आपके परफॉर्मेंसेज देखे हम लोगों ने बहुत सारा। तो हम लोगों ने एक फैमिली पिक्चर टाइप करवाया और उसके बाद मैं एकदम ब्लैंक सा था। मैं बोला यार फैमिली वाले भी ऐसा बोल रहे हैं। देन उसके बाद ये जो काली साड़ी में दीदी हैं, प्रोमिला दीदी है, तो किशोर की दीदी हैं, तो दीदी ने मेरे को कहा कि एक वीडियो बनाना है रील के लिए। तो एक वीडियो किया हम लोगों ने दीदी के साथ, डांस किया, डांस करके बहुत अच्छा लगा और एक दो तीन टेक लिए हमने, लेकिन बहुत मज़ा आया। दूल्हे के साथ बात करने के बाद मैं आ गया हूँ डांस फ्लोर पे। डांस फ्लोर पे ये जो दीदी के साथ मैं डांस कर रहा हूँ वो है किशोर की दीदी, और इनके साथ मैं डांस कर रहा हूँ। और एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, किशोर की 6 बहनें हैं और उनमें से ये एक दीदी हैं जिनके साथ मैं डांस कर रहा हूँ। मेरे पैर में दर्द है फिर भी मैं तोड़ तोड़ के डांस कर रहा था और बहुत मज़ा आया सबके साथ डांस करके, इन्जॉय करके। उसके बाद यहाँ पे मेरे को और बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया फ़ोटो के लिए, और इनके साथ फ़ोटो करवा के बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि वो लोग इतना प्यार दे रहे, वो लोग मेरे को जानते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा है। तो सभी फैमिली लोग, सभी लोग आ रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मेरे को एज ए सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा था और मैं थोड़ा नर्वस भी था। सो फाइनली ये हम ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत बहुत डांस किया हम लोगों ने, अच्छा नहीं बहुत बहुत डांस किया, बहुत डांस किया। देख रहे हो शक्ल, देख लो इसकी इसकी हमारी हालत खराब हो गई। अच्छा फ्रंट में जूम नहीं होता है ना, फिल्टर लगा देना बस, फिल्टर लगा। ये देखो इसका थोपड़ा देखो, और हमें फिल्टर्स की जरूरत ही नहीं है। तो हमने बहुत ज़्यादा डांस कर लिया, इवन कि मैंने भी बहुत ज़्यादा किया क्योंकि पैर में लगा था फिर भी कर दिया मैंने। भंगड़ा तो पाया ना, सॉरी हाँ गिद्धे तू पाए ब्रावा, गिद्धे पा रहा था मेरा दोस्त, हम भंगड़े डाल रहे थे भाई। और मैंने क्या बोलेगा, मैंने बहुत डांस देखा, कहते कहते लड़की वाले डांस नहीं करते हैं। पर मैंने बड़ा डांस देखा गाइस। अब ये ब्लॉग के नीचे ना कमेंट करना कि लड़की वाले डांस कर सकते हैं कि नहीं, ये बता, पता नहीं कौन से जमाने का वो लेके बैठे हुए हैं। मैंने किया, मैंने थोड़ा सा किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा किया, थोड़ा सा किया और बहुत डांस देखा, मजा आया। चलो ठीक है फिर मिलते हैं अमृतसर में, जरूर मेरी शादी में सब पर नचाएंगे। हां जी लड़की वालों को भी, कब करने वाले थे? 2-3 बाद। अरे मुझे लगा 2-3 महीने बोलोगे यार, 2-3 साल इतना वेट करे अभी हम, 2 कर लो
दो महीने बोल देते हम तो पर हमने भगा के लानी है, मतलब घोड़ी चढ़ गया भाई, यही सीन बनेगा अपना। पूजा की क्यों लानी, वैसे ये भगाने में अलग ही मजा है यार। ये ओलंपिक में नहीं भागे पर लड़की भगाएंगे। ओ ठीक है, मतलब रिसेप्शन करोगे सीधा पार्टी? जरूर करेंगे, मतलब सिंगल खर्चा है, जाके आप बात कर लो ना, हाथ मांग लो ना, डर लगता है? अरे नहीं, बात करने में मैं कहाँ जब बगाने में मजा है। अरे यार बस करो, ये तुम भी रीति रिवाज तोड़ रहे हो। अरे लड़की को पता है, उसकी मम्मी को पता है, पर हम बगा के करेंगे शादी। अच्छा मतलब पैसे बचाने हैं? पैसे बचाने हैं लड़की वालों के हैं, खुद खर्च के हैं, खुद के भी। अच्छा मतलब खर्चा कर, अच्छा मतलब वही पैसे हनीमून में लगाओगे? बाहर सीधा स्विट्जरलैंड सीधा। चलो फिर ठीक है, चलो भाई ब्लॉक एंड हम यहीं पे करते हैं ये सब थोपड़ों के साथ। ये आगे फ्यूचर में आपको देखने मिलते रहेंगे ये थोपड़ा। इस थोपड़े का पता नहीं कहाँ गए, ये वाला ये थोपड़े का पता नहीं कंटिन्यू देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये अभी जल्दी शादी करने वाला है, ये भी गायब होने वाला है। कुछ नहीं पता नहीं, ये तो मिलेगा, ये तो मेरी बुट्टी है। हम मिलते रहेंगे। सो गाइस अभी बहुत स्पेशल चीज होने वाले हैं, बहुत बाय नहीं अभी नहीं ठीक है। चलो गाइस बाय करते हैं ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आपने देखा यहीं तक, बहुत बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, लव यू ऑल, बाय बाय। के एक मिलियन करो। अरे एक मिनट, देखो दाई गेम में हार चुके हैं तो उनको पनिशमेंट मिल रहा है, तो दाई ऐसे नहीं, थोड़ा होल्ड तो रखो, हो गया भी। चलो अभी आपका बारी, आपका आपका आपका, लेट्स गो लेट्स गो। हाँ भाई हाँ चलो दाई आप होल्ड भी रखो यार, ये आपने होल्ड ही नहीं रख रहे आप। दे यार कब से क्या बंदा नहीं, कब से मैं तो आप देख रहा हूँ, संजीव ने बनाया ही नहीं वीडियो यार, हद है। वेरी गुड, नाइस, चलो चलो नाइस नाइस। नाइस नाइस यार, सब मार रहा है, सब एक भी मिस नहीं हो रहा उसका। अच्छा मार रहे हैं वो प्रो है वो, मैं मारूंगी भाई। ये क्या होता है, ये होता है यार, दाई यार दाई होल्ड रखना चाहिए यार। यार बेस्ट मामी बना दिया तीन बार दाई को। चलो दाई फिर रोटी बना दो यार, अगर बनी गई तो बना दो, खा लो दाई आराम से, हो गया मिस। चलो किशोर भाई ये गुस्से में है भाई, सारा गुस्सा निकाल दिया सवेरे, चिढ़ा रहे हो भाई को, गुस्सा निकाल दिया, हो गया मिस।